गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। एंड टुडे विल बी सॉल्विंग द लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 17B विच इज़ ऑन पेज नंबर 812। सो पेज नंबर इज 812, एक्सरसाइज इज 17B एंड क्वेश्चन नंबर आर 33 एंड 34। तो क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 6 mm इज इवनली रैप्ड ऑन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 18 cm एंड डायमीटर 49 cm टू कवर इट्स होल सरफेस। फाइंड द लेंथ एंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर इफ द डेंसिटी ऑफ कॉपर बी 8.8 m³/cm। फाइंड द वेट ऑफ द वायर। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है। जैसे सपोज दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल रॉड। अब मेरे पास जो एग्जांपल है मैं वही आपको बता रहा हूँ। जैसे ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इसकी अगर ऐसे है तो हाइट, ऐसे है तो लेंथ। इसकी लेंथ दे रखी है और इसका डायमीटर पता है। डायमीटर मतलब सामने का डायमीटर पता है और इसकी लेंथ पता है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक वायर को लपेट लिया। जैसे मेरे पास फ़ोन का चार्जर है, ठीक है। अब इस फ़ोन के चार्जर को मैंने इसके ऊपर लपेट दिया, ठीक है। इस इवनली रैप्ड मतलब पूरे में ऐसे करके इन्होंने इसके ऊपर रैप कर दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। जैसे जितना है मैं उतना आपको रैप करके दिखा दे रहा हूँ। इवनली का मतलब भी बता दे रहा हूँ कि कहीं भी स्पेस नहीं छूटी है। जैसे मेरे पास ये वायर है, मैंने इसको इवनली रैप कर दिया है, ठीक है। तो अभी इतना सा एरिया देखिए आप, ये इवनली रैप हो गया है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर कि यहाँ से लेके इस सिलेंडर को पूरा, इस रॉड को पूरा रैप करने के लिए कितनी लेंथ लगी वायर की। पहला तो हमें ये निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। फिर हमें क्या निकालना है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर, और इस वायर का वॉल्यूम निकालना है। साथ में डेंसिटी ऑफ कॉपर निकालनी है। डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है, हमें वेट निकालना है यानी मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम पता लग जाएगा तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ते रहा हूँ। अ कॉपर वायर इज़ इवनली रैप्ड ऑन अ सिलेंडर। तो एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कॉपर वायर को हमने रैप किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। जैसे मैंने एक सिलेंडर बना लिया, दिस इज़ अ सिलेंडर, ठीक है। और इस सिलेंडर की डायमेंशंस दे रखी हैं, लेंथ इज 18 cm। लेंथ मतलब इसकी हाइट हो गई, दैट इज 18 cm। एंड द डायमीटर इज, कहाँ गया डायमीटर, एंड द डायमीटर इज 49। डायमीटर 49 है तो रेडियस कितनी हो गई, 49/2 cm। ये सब हमारा सेंटीमीटर में है। अब इसके ऊपर इन्होंने एक वायर को रैप किया है, कॉपर वायर को। रैप मतलब जैसे ये ऐसे करके एक सर्कल, फिर ऐसे करके इन्होंने इसको रैप किया हुआ है। वो मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन में समझा दिया, इवनली रैप किया हुआ है। और कॉपर वायर, कॉपर वायर मतलब हम एक छोटा सा वायर बना दे रहे हैं। जैसे ये एक सपोज कॉपर वायर है, पतला सा कॉपर वायर बना दिया। अच्छा, कॉपर वायर की शेप भी एक सिलेंडर की होगी, चलो, पर उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इस कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है 6 mm। कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है 6 mm, ठीक है। इसको कैपिटल डी कर दे रहे हैं, कैपिटल डी दे रखा है 6 mm, और लेंथ दे रखी है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो सबसे पहले तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। दूसरी हमें क्या निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। फिर हमें इसका क्या निकालना है, वेट, वेट बोले तो इसका मास निकालना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें निकालनी है, चलो तो निकालते हैं सबसे पहले। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, देखो, जब मैंने इस वायर को इसके ऊपर रैप किया, ठीक है, जब मैंने इस वायर को इसके ऊपर रैप किया, सपोज़ अगर मेरे वायर जो है मोटा होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे। जैसे अभी मेरा वायर ये है चार्जर की केबल, ठीक है। तो देखो इतने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्न्स आ गए, तो पूरे में टर्न्स निकाल लें, ठीक है। अगर मेरा वायर मोटा होगा, सपोज़ ये वाला वायर मोटा है, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होंगे। देखो अभी पतला तार है, जब मोटा होगा मतलब इतना मोटा तार है, तो देखो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, यानी अगर तार मोटा होगा तो नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हो जाएंगे, अगर तार पतला होगा तो नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होंगे। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है वायर की डायमीटर के ऊपर। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर वायर मोटा होगा तो नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे, अगर वायर पतला होगा तो नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द वायर। तो वायर के डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और डिपेंड कर रहे हैं लेंथ।
तो नंबर ऑफ टर्न्स का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इसमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लूं, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इसकी लेंथ के ऊपर डिवाइड बाय डायमीटर, तो इट विल बी लेंथ ऑफ सिलेंडर, दिस सिलेंडर अपॉन डायमीटर ऑफ वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मान लो लेंथ छोटी होगी या लेंथ बड़ी होगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगे, डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ वायर, अगर वायर का डायमीटर ज़्यादा है तो टर्न्स कम आ जाएंगे, अगर डायमीटर कम है तो टर्न्स ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स निकाल ले रहे हैं कि इस वायर को जब हमने सिलेंडर के ऊपर लपेटा तो कितने टर्न आ गए, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है नहीं, ये हमने डिराइव किया है, ये फॉर्मूला आप इसको मान भी लीजिए, इट इज़ लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर। अच्छा, लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी सेंटीमीटर में कर लें, सो सेंटीमीटर में करने के लिए मैंने आपको एक कन्वर्जन बताया था, 1 meter इज इक्वल टू 10 decimeter इज इक्वल टू 100 centimeter इज इक्वल टू 1000 millimeter, हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, यानी इन दोनों की ज़रूरत है, यानी दो जीरो से दो जीरो कट गए, 1 centimeter बराबर 10 millimeter, यानी मिलीमीटर से जब हमें सेंटीमीटर में करना है तो 10 से क्या करना होता है, डिवाइड, सो इट विल बी 6/10 centimeter, तो डायमीटर जो 6 mm में था मैंने उसको सेंटीमीटर में कर लिया। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, लेंथ कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर 18 दे रखी है, और डायमीटर ऑफ वायर कितना दे रखा है, 6/10, यानी 6/10, 10 पलटी मारेगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 6 3 18, यानी 3 × 10 = 30 tons, तो बेसिकली इस तार को जब हमने सिलेंडर के ऊपर लपेटा तो कितने टर्न्स आए, 30 tons आ गए, ठीक है। अब जब हमें 30 tons पता लग गए तो हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है, लेंथ, अच्छा एक बात बताऊँ, एक राउंड की लेंथ कितनी होगी, इट विल बी 2πr, क्योंकि हम किसके ऊपर लपेट रहे हैं, इसकी CSC के ऊपर लपेट रहे हैं, सो लेंथ ऑफ वन टर्न कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वन टर्न यहां निकाल देना है, लेंथ ऑफ वन टर्न, देखो टोटल टर्न कितने आ गए, 30, ठीक है, 30 टर्न आ गए, और एक टर्न मतलब एक चक्कर किसके ऊपर लपेटा है, CSC के ऊपर लपेटा है, तो लेंथ ऑफ वन टर्न विल बी इक्वल टू 2πr, सो इट विल बी 2 × 22/7, और रेडियस कितनी है, 49/2, क्योंकि ये इसका है 2πr, सो 49/2, 2 से 2 कटा, 7 7 = 49, 27 7 = 154, 7 2 = 14, 7 2 = 154, तो लेंथ ऑफ वन टर्न कितनी आ गई, 154 सेंटीमीटर, और टोटल टर्न्स कितने हैं, 30, तो लेंथ ऑफ 30 टर्न्स निकाल दें, सो लेंथ ऑफ 30 टर्न्स विल बी इक्वल टू, एक की 154 है, एक समोसा 5 रुपये का, 30 samosas, 30 × 5, एक की 154 सेंटीमीटर डिस्टेंस है या लेंथ है, तो 30 की कितनी होगी, 30 × 154, सो इट विल बी 30 × 154, मल्टीप्लाई करते थे, 4 3 = 12, 5 3 = 15, 16, 3 1 = 3, 4 6 = 20 centimeter, आंसर आपका मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 में डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 46.2 meter आ जाएगा, पर हम सेंटीमीटर में रहने देते हैं क्योंकि कहीं नहीं पूछा है कि मीटर में बताओ या सेंटीमीटर में बताओ। तो हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी थी, कॉपर वायर, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी निकल के आ गई, 4620। मैं फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, देखो अगर मैंने किसी सिलेंडर के ऊपर एक वायर को लपेटा है तो कितने टर्न्स होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द वायर की डायमीटर, अगर वायर मोटा होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, वायर पतला होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, दूसरा वो डिपेंड कर रहा है जिसके ऊपर लपेट रहे हैं, सिलेंडर के ऊपर लपेट रहे हैं, सो हमारा फॉर्मूला बन के आ गया टर्न का, नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला बन के आ गया, लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, तो जिससे हमारी 30 टर्न्स निकल आई। अब एक टर्न का मतलब 2πr, तो मैंने एक टर्न का 2πr लगा दिया, यहाँ से मेरा एक टर्न निकलाया, अब 30 टर्न से तो मैंने 30 की 154 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी ये आ गया हमारा 4620, तो लेंथ ऑफ वायर हमारी निकल गई, कितनी आई, 4620। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो देखो ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² h
ठीक है, तो वॉल्यूम का हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पर यहाँ पर एच नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एल, अभी मैंने आपको बताया था अगर ऐसे है तो एल और ऐसे है तो एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस कितनी है अगर 6/10 डायमीटर है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी 6/20 हो जाएगा, सो रेडियस हो जाएगी 6/20 इंटू 6/20, और लेंथ कितनी निकलाई टोटल लेंथ बताइए आप लोग 4620, यही तो टोटल वायर की लेंथ है क्योंकि यही वायर तो इसके ऊपर लपेटा है, तो ये वायर कितना लंबा है 4620 सेंटीमीटर, तो इंटू 4620 सेंटीमीटर, इससे इसको काटा 2 3 6, 7 से इसको काट देते हैं 7 6 42, 4 बचा 7 6 42, फिर 2 से काट देते हैं 2 1 2 0, 2 3 6, 2 3 6, तो कितना बचा हमारे पास 22 × 3 = 3 2 6, 3 2 6 एंड 33 × 6 = 18, 6 3 = 18, 6 3 = 18, 6 3 = 18, 1 19 upon 10, 10 मैंने इसलिए नहीं कट किया क्योंकि अभी डेसिमल में कराने में मुझे आसानी हो जाएगी, सो 198 × 66 कर लेते हैं, तो 198 × 66, 8 6 48, 6 48, 9 6 54, 54 × 4 = 58, 6 1 6 एंड 5 is 11, सो हो गया 8 8 1 1, तो हो गया 8 8 8 16, 8 9 10, 1 2 3, ये आ गया 13068 डिवाइडेड बाय 10, 13068 डिवाइडेड बाय 10, तो जब हमने पॉइंट हटाया तो ये आ गया 1306.8 सेंटीमीटर क्यूब, शायद आंसर भी यही आ रहा होगा, लेट मी क्रॉस चेक द आंसर, ये आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर है 33 कहाँ गया भाई, हाँ 1306.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो हमने लेंथ निकाल ली, वॉल्यूम निकाल ली, अब हमें निकालना है मास, तो देखो मास के लिए, मास मतलब वेट, वेट का एक फॉर्मूला होता है साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ, सो वेट का एक फॉर्मूला होता है या मास का एक फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है डेंसिटी कितनी है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ग्राम में है तो हमारा आंसर ग्राम में आएगा, और वॉल्यूम कितना है 1306.8, तो 1306.8 की जब हमने 8.8 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर आ गया 1499.84, 1199.84, एक मिनट लेट मी क्रॉस चेक, 1149.84 ग्राम्स, इज दैट क्लियर, अब आंसर जो आंसर शीट में आपका दे रखा है वो किलोग्राम में दे रखा है, तो आप चाहें तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको यहीं पर छोड़ दें क्योंकि कहीं नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कि इसको किलोग्राम में निकालना है, तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने एक वायर, एक प्रॉपर वायर को लपेटना है, यूनिफॉर्मली लपेटना है, मतलब पूरा लपेट जाना चाहिए, कहीं भी स्पेस नहीं होना चाहिए, तो जब हमने वायर को लपेटा तो नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ़ टर्न्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर, यहाँ से हमें लेंथ पता लग गई, तो टोटल लेंथ कितनी निकल के, टोटल टर्न्स कितने निकल के आ गए 30, नंबर ऑफ़ टर्न्स का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, तो हमारे पास 30 टर्न निकल के आ गए, अब मैं जो ये वायर लपेट रहा हूँ ये किसके ऊपर लपेट रहा हूँ, इसके CSA के ऊपर लपेट रहा हूँ, तो एक चक्कर मतलब देखो एक बार एक टर्न मतलब एक CSA, तो मैंने 1 टर्न निकाल लिया CSA 2πr, ये आ गया 154, टोटल टर्न कितने हैं 30, तो 30 × 154 कर दिए, ये आ गया 4620, तो हमें पूरी लेंथ पता लग गई, यानी हमारा पहला जो ऑप्शन था लेंथ निकालनी है वो हमारा आ गया 4620, अब हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर पता है और एच हमें पता है कि अगर वायर ऐसी है मतलब अगर सिलेंडर ऐसा है तो ये हो जाएगा लेंथ और अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा हाइट, तो लेंथ हमारी आ गई थी 460, तो मैंने इसकी 4620 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा आ गया 1306.8, फिर हमें निकालना है वेट, वेट या मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी,
वॉल्यूम हमारी आ गई 1306.8 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी देखिए 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की ये आ गया 11499.84 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हॉट्स में आता है, गर्म क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। और इसी के साथ एक एग्जाम्पल है जो आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर इज मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको करना है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 29। तो एग्जाम्पल नंबर 29 भी आप इसके साथ कर लेंगे। नाउ अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। मीनवाइल आई एम रबिंग द बोर्ड, यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस कम पड़ेगी, चलो फिर भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, चलो फिर भी हम ट्राई करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर लेना और जहाँ मैं रब करूँगा उससे पहले पॉज करके अपनी कॉपी में साथ के साथ करते रहना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये हॉट्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है, अ राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 15 एंड 20 अदर देन हाइपोटेनियस इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट हाइपोटेनियस, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस आर एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म, चूज वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड अप्रोप्रिएट। कह रहा है पाई की वो वैल्यू लो जो आपको ठीक लगे, जो कट जाए, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए, अभी मेरे पास यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स में एक 60 होता है और एक 90 होता है, ठीक है, 60 वो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह होता है, दैट इज कॉल्ड एज 60 एंड 90 जो 90 एंगल होता है। तो आप अपने 90 वाले को लीजिए, ठीक है, 90 वाले की इस एंड को ऐसी तो होता है 90, देखो 90 ये होता है 90, ठीक है, इस 90 वाले को लीजिए आप, इसके इसको पकड़िए, इस कोने को और इस कोने को फिक्स कर दीजिए, यानी इस कोने को और इस कोने को फिक्स कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे करके मारिए, सो इट विल रिवॉल्व, इट विल ऐसे करके वो हाइपोटोनियस के अराउंड घूमेगा, इट विल रिवॉल्व अबाउट हाइपोटोनियस। तो जब आप ऐसे करके मारेंगे तो अपने दिमाग में पिक्चर एनालाइज कीजिए कि जब ये घूमेगा सो इट विल मेक अ कोन, देखो जब ये यहाँ पर है, जब यहाँ पर आएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये ऐसे करके कोन बना देगा, ठीक है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम इन द सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो फॉर्म। तो देखो हाइपोटोनियस को यहाँ पर रखना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे करके हमारी फिगर एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हाइपोटोनियस को बीच में बना रहा हूँ। सो देखो ये मैंने हाइपोटोनियस बनाई, ये एक साइड बनाई, ये दूसरी साइड बनाई और ये हो गया हमारा, फिगर गड़बड़ हो गई और ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है, इसका नाम कर दे रहे हैं, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल ए, सपोज दिस इज बी एंड दिस इज सी और ये एंगल मैंने बोला 90 डिग्री, तो अगर ये 90 है तो ये हाइपोटोनियस होगा। अब इसके अराउंड मैंने इसके ऊपर इसको मैंने फिक्स किया और हाइपोटोनियस के अराउंड इवॉल्व करना है, इस पर मारा तो ये ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, अ राइट ट्राइंगल हूज साइड्स आर 15 एंड 20 अदर देन हाइपोटोनियस। तो इसको मैंने ले लिया 15 और इसको मैंने ले लिया 20, ठीक है, तो अगर ये 15 है ये 20 है क्या हाइपोटोनियस पता लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? यस पता लग जाएगा, तो यहाँ पर तुरंत निकाल लेते हैं, तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225, 20 का स्क्वायर इज 400, इन दोनों को प्लस किया 4 2 6 625 और 625 किसका होता है 25 का होता है, तो ए सी कम्स आउट इक्वल टू 25, तो हमें ए सी पता लग गया कितना आ गया 25। अब जब ये हाइपोटोनियस के अराउंड रिवॉल्व होगा, कह रहा है क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल अदर इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट हाइपोटोनियस, तो जब ये रिवॉल्व होगा तो एक बार भी यहाँ पर एक बार भी यहाँ आ जाएगा तो कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी, देखो बी है यहाँ तक ले लेते हैं बी को, ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी, ठीक है, और ये यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो कह रहा है फाइंड द, अच्छा इसको जब मैं ज्वाइन कर दूँ, देखो ध्यान से देखना अभी इस फिगर को क्योंकि ये फिगर ही समझ में नहीं आती है क्योंकि जब गड़बड़ होगी फिगर को थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, अब कंपैरेटिवली थोड़ी सी ठीक आई है फिगर, ठीक है,
ये फिर से टेढ़ी हो रही है। चलो सो दिस ओके सो दिस इज 15 एंड दिस विल बी 20, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। तो देखो जब ये ऐसे रोटेट करेगा, तो आप जब ऐसे करके किसी चीज़ को रोटेट करोगे तो एक सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पर एक सर्कल ये बन रहा है ऐसे करके, यहाँ पर बीच में एक सर्कल बनेगा। मैं नाम दे दे रहा हूँ ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया डी, इसको मैंने नाम दिया ओ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं कि डबल कोन का मतलब क्या है। तो मैं दोनों कोन बना दे रहा हूँ। तो देखो एक कोन ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है मतलब एक कोन कुछ इस तरीके का बन रहा है, क्या हो रहा है आज कोई भी फिगर ठीक से नहीं बन रही है, ठीक है। एक कोन तो ये ऊपर बन रहा है, इसका नाम मैंने कर दिया ए डी एंड बी, और एक कोन फाइंड द एरिया सरफेस एरिया इन द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। एक कोन ऊपर है एक कोन नीचे है, इसलिए इन दोनों को बोला डबल कोन। और एक कोन नीचे बन रहा है, नीचे वाला मतलब मैं इसको भी बना दे रहा हूँ आपके लिए, इट विल बी डी बी एंड सी, यही तो है डबल कोन। एक कोन ऊपर है एक कोन नीचे है, सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ दीज टू कोन्स। अच्छा अब देखो ध्यान से, डी है और ये यहाँ पर देखो ये डी है और ये ओ, ये ओ, सो डी ओ इसको क्या हो गया, इस कोन की डी ओ हो गई रेडियस। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेडियस इज इक्वल टू डी ओ, पता है नहीं पता है। और इस कोन की हाइट क्या हो गई ए ओ, ये इसकी हाइट हो गई, तो हाइट क्या हो गई इस कोन की ए ओ, क्या वो भी पता है, वो भी नहीं पता है, तो यहाँ पर भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। अब इस कोन की बात करते हैं, इस कोन में डी ओ, देखो नीचे वाले कोन में भी ये है डी और ये है ओ, तो रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई डी ओ, पता है नहीं पता है। और इस कोन की हाइट क्या हो गई ओ सी, हाइट हो गई ओ सी, ओ सी इज हाइट, क्या हाइट पता है, हाइट भी नहीं पता है। तो बेसिकली वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें निकालनी है, हमें एक तो निकालना है डी ओ मतलब रेडियस, एक निकालनी है ओ ए मतलब हाइट ऑफ कोन वन, और एक निकालनी है ओ सी मतलब हाइट ऑफ सेकेंड कोन। यहाँ तक समझ में आया, चलो अब यहाँ तक जब समझ में आया तो इसके आगे हम शुरू करते हैं। देखो अगर मान लो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होगा इसका एरिया। और अगर मान लो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, जैसे हिरॉन्स फॉर्मूला में हमने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, तो हम एरिया निकाल लेते थे, वहाँ से फिर से हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते थे। देखो ट्राइंगल का एरिया क्या हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या क्या लग सकता है हाफ इंटू इसमें बेस ये ले लेंगे और हाइट ये ले लेंगे, क्योंकि एरिया तो सेम ही रहेगा, ट्राइंगल तो वही है, बस हमने बेस और हाइट को अलग अलग लिया है। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, एक बार मैंने ट्राइंगल लिया ए सी डी, ध्यान से देखना बेटा, मैंने ट्राइंगल लिया ए सी डी, ठीक है ए सी डी। अब ये 90 डिग्री है, तो आप इसको ना पलट के देखो, ये 15 है और ये है 20, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा 15 इंटू हाइट इज 20 हो जाएगा। अब इस दोबारा मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, अब देखो दोबारा मैं कौन से ट्राइंगल को ले रहा हूँ, दोबारा भी मैं इसी ट्राइंगल को ले रहा हूँ ए डी सी को ले रहा हूँ, पर अब मैं जो ट्राइंगल फिगर बना रहा हूँ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, देखो ए डी सी। अब इसमें देखो हमने लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये बेस लिया ये हाइट लिया। अब जब मैंने दोबारा ये ट्राइंगल बनाया तो ध्यान से देखो, ये जो होगी ये 90 डिग्री होगा, सो दिस विल बी द हाइट, ये हाइट होगी कि नहीं होगी इस ट्राइंगल की, और इस हाइट का नाम क्या होगा डी ओ। तो इस केस में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, और इस केस में बेस क्या है ए सी, और ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली थी पाइथागोरस थ्योरम से 25। तो इस केस में मैंने बेस ले लिया 25 को,
सो हाफ इंटू 25 और हाइट क्या हो जाएगी डी ओ. ये मैं क्यों कर रहा हूँ, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी ओ. सो हाफ इंटू 25 इंटू डी ओ. इज दैट क्लियर. अब ये भी ए डी सी है, ये भी ए डी सी, यानी ये दोनों इक्वल होंगे. इसका मतलब ये दोनों एरिया इक्वल होंगे. इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर वन, इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर टू. यानी फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, हाफ इंटू 15 इंटू 20 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 25 इंटू डी ओ. हाफ से हाफ काटा, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा, सॉरी 5 फाइव ज़ा 25, 5 फोर ज़ा 20. सो डी ओ कम्स आउट इक्वल टू 4 इंटू 3 इज 12. सो डी ओ कितना आ गया, डी ओ आ गया 12. तो बेसिकली डी ओ निकालने के लिए मैंने एक ट्राइंगल ये लिया जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, और दूसरा ट्राइंगल भी ये लिया जिसमें बेस मैंने 25 और हाइट मैंने डी ओ लगाया. इज इट क्लियर. अब मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ रही है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ. हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. ठीक है, चलो. तो ये हमने डी ओ निकाल लिया. अब डी ओ निकालने के बाद लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ ए एंड ओ सी. देखो ध्यान से देखना, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए ओ डी. कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ए ओ डी. ए ये है डी और ये है ओ. ए डी हमें पता है कितनी गिवन है, 15. डी ओ अभी हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 12. क्या यहाँ से ए ओ निकलाएगा, बिल्कुल. तो हम लिखेंगे कि 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर. सो ए ओ स्क्वायर विल बी, 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144. माइनस किया 5 में से 4 गया 1, 22 में से 14 गया तो 81. सो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 81. सो ए ओ इज इक्वल टू 9. तो हमने यहाँ से क्या किया, ए ओ निकाल लिया. तो हमने डी ओ निकाल लिया, ए ओ निकाल लिया. अब ओ सी निकालना है. अब ओ सी के लिए ध्यान से देखो, ओ सी के लिए मैंने नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया. ठीक है, नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया, मतलब ये वाला ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल. इसका नाम है ओ डी और ये है सी. ये 90 डिग्री है. हमें डी सी की वैल्यू पता है कितनी है, 20. डी ओ हमने निकाल लिया था 12. क्या यहाँ से हम ओ सी निकाल सकते हैं, यस. कैसे निकाल सकते हैं, 20 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर. मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको लिखना है हाइपोटेनियस वगैरह. सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 12 स्क्वायर इज 144. 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 256, और 256 का स्क्वायर जो अंडर रूट जो होगा, आई थिंक दैट विल बी 16. तो ओ सी कितना आ गया, 16. तो बेसिकली हमें डी ओ पता लग गया, ओ ए पता लग गया और ओ सी पता लग गया. यहाँ तक क्लियर है. सो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, डी ओ कम्स आउट इक्वल टू 12, ओ ए कम्स आउट इक्वल टू कहाँ गया ओ ए 9, एंड ओ सी कम्स आउट इक्वल टू 16. नाउ वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. तो वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी वाले पोर्शन को रब कर देना हूँ. जब तक आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज आई नीड सम स्पेस. मैं फिर से समझा दे रहा हूँ. देखो मैंने क्या किया, दो कोन बना दिए. इसका एरिया निकालने के लिए पहले मैंने एक ये वाला ट्राइंगल लिया, बेस और हाइट. दोबारा मैंने एक बेस और हाइट ये वाला ट्राइंगल लिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया. यहाँ से डी ओ आ गया. इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से मैंने ए ओ निकाल लिया, नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल से मैंने ओ सी निकाल लिया. इज इट क्लियर. नाउ आई एम रबिंग दिस पार्ट सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम. सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डबल कोन. इस वाले कोन का भी वॉल्यूम निकालना है और इस वाले कोन का भी वॉल्यूम निकालना है. सो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन एंड वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका नाम दे देना सपोज ए डी बी, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका नाम हो गया डी सी बी. इन दोनों कोन का वॉल्यूम निकालना है. और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसकी रेडियस क्या है, डी ओ का स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो इसकी देखो 1/3 पाई तो दोनों में सेम होगा. इसकी रेडियस क्या हो गई, इसकी रेडियस डी ओ है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है रेडियस डी ओ, तो डी ओ का स्क्वायर. और इसकी हाइट क्या होगी, ए ओ, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इन टू ए ओ, प्लस
इसका फॉर्मूला हो गया 1/3 pi डी सी वी की रेडियस क्या है डी ओ यानी इंटू डी ओ का स्क्वायर और हाइट क्या है इसकी ओ सी यानी इंटू ओ सी. इज दैट क्लियर. वैल्यू पुट कर देते हैं. सो हो गया 1/3 pi डी ओ की वैल्यू हमने कितनी निकाली 12. सो हो गया 12 का स्क्वायर इंटू ए ओ की वैल्यू कितनी निकाली 9 प्लस 1/3 pi डी ओ की वैल्यू कितनी निकाली 12. सो 12 का स्क्वायर इंटू ओ सी इज 16. जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं. 1/3 pi इंटू 12 का स्क्वायर मतलब 144 कॉमन है. ठीक है, अंदर क्या बचा 9 एन, यहाँ बचा 9 प्लस 16. 9 प्लस 16 होता है 25. तो क्या 1/3 इंटू 25 चलो तो पाई की वैल्यू मैंने ले ली 3.14 इंटू 144 क्योंकि उसमें लिखा हुआ है टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज अप्रोप्रिएट. क्योंकि अगर 22/7 लगाएंगे तो आंसर शीट में जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा. तो 3.14 लगाने से एक तो कैलकुलेशन ईजी हो रही है अभी पता लगेगा आपको और आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा. इंटू 9 प्लस 16 इज 25. 4 4 8 1 9 3 से काट देते हैं. 3 4 12 3 8 24 ठीक है. 3 4 12 3 8 24 अब 3.14 इंटू 48 इंटू 25 करेंगे सो इट विल कम्स इक्वल टू 3768. चलो करके दिखा दे रहे हैं. 48 इंटू 25 कर देते हैं. 48 इंटू 25 8 5 40 5 4 20 एंड 24 8 2 16 4 2 8 1 9 सो दिस विल 9 6 4 10 9 10 11 12 1200. सो इट विल कम्स आउट इक्वल टू 3.14 इंटू 1200. देखो 0.14 तो 00 ख़त्म कर देगा यानी आ गया 314 इंटू 12. सो 314 की जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 314 इंटू 10 हो गया 3140 और 314 की जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 2 1 2 3 2 6 तो 6 2 8 8 4 2 6 6 1 7 3 7 6 8 तो इट कम्स आउट इक्वल टू 3768 ठीक है सेंटीमीटर क्यूब. क्या यही आंसर आ रहा है? आंसर इज कमिंग 3768 सेंटीमीटर क्यूब. इज दैट क्लियर. सो वॉल्यूम निकल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन. तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, अच्छा सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल. ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ फिर से. आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा या पॉज कर लो वीडियो को. तो अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन. सो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन. इट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन नंबर ए डी बी प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन डी सी बी. इज इट क्लियर. और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू स्लेंट हाइट. तो ये हो गया पाई इंटू रेडियस कितनी है? रेडियस है डी ओ. और इस कोन की स्लेंट हाइट कितनी है? ए डी है ना स्लेंट हाइट, तो इंटू ए डी प्लस पाई आर एल. पाई इस वाले कोन की रेडियस कितनी है? डी ओ. और इसकी स्लेंट हाइट कितनी है? इट विल बी डी सी. अब देखो दोनों में से पाई कॉमन कर लेते हैं और डी ओ भी कॉमन कर लेते हैं. चलो पहले वैल्यू लगा देते हैं. पाई इंटू डी ओ की वैल्यू है 12 और ए डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू मेन फिगर से देखिए कितनी है 15 प्लस पाई. इंटू डी ओ की वैल्यू कितनी है 12 और डी सी की वैल्यू कितनी है 20. इज इट क्लियर. सो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 3.14 इंटू 12 मैंने कॉमन कर लिया, पाई 12 कॉमन कर लिया. क्या बचा? पाई 12 कॉमन किया, 15 प्लस 20. 15 और 20 कितना होता है? 5 35. ठीक है, अब 35 इंटू 12, 35 10 से होता है 350, 35 2 से होता है 70. तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 5 12 तो ये हो गया 420. सो इट विल बी 3.14 इंटू 35 10 से 350, 35 2 से 70, दोनों को प्लस किया 7 5 12 420, 3.14 इंटू 420. अच्छा इसको जब 42 कर लेंगे तो ये हो गया 31.4 यानी 31.4 इंटू 42 कर लेते हैं. 314 इंटू 42, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6,
फोर फोर ज़ा 16, फोर वन ज़ा 4, एक 1, 5 और 4 थ्री ज़ा 12, 8, 6 दो 8, 5, 6, 11, 2, 1, 3, 1, 3, 1, ठीक है, एक के बहुत पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1318.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? एंड आवर आंसर इज कमिंग 1320, उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया. इज दैट क्लियर? चलो, तो हमारा आंसर ये जो आ रहा है, ये कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट. अच्छा, इसका एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 31 विच इज़ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. यानी आपको आज ये दोनों क्वेश्चन करने हैं वीडियो में, साथ में करना है एग्जाम्पल नंबर 29 और एग्जाम्पल नंबर 31. कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताओगे कि आपके वीडियो समझ में आया कि नहीं आया. अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय सम अनदर मेथड ऑल्सो. हालांकि आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द बोथ कॉन्सेप्ट, और ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो दोबारा देखना, और फिर भी नहीं आता है देन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, सो दैट विल ट्राई सम अनदर वे टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस. ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.